सीसीपीओ लाहौर से इख्तलाफात, आईजी पंजाब शोएब दस्तगीर को हटा दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के 2 साल में पंजाब के 5 आईजी तब्दील किए गए। ज़राए के मुताबिक सीसीपीओ लाहौर की तैनाती तमाम तर पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए की गई। पंजाब और विफाक के आला अहदेदारों ने लाहौर पुलिस के नए सरबराह को तब्दील न करने का फैसला किया था। सीसीपीओ लाहौर ने आईजी पंजाब से तहफ़ुज़ात दूर करने के सिलसिले में राबता किया। पंजाब पुलिस के सरबराह की जानिब से कोई जवाब न आया। लाहौर पुलिस के सरबराह उमर शेख का कहना है कि लाहौर में सब अफसरान को काम करना है, जिसने नहीं करना वो जा सकता है। पंजाब में पुलिस कल्चर और दीगर इस्लाहात के प्लान पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला को खास हिदायत दी। सूबे भर में जुराइम पेशा अनासिर के खिलाफ फुल एक्शन लेने का हुक्म दिया और हिदायत की कि लाहौर समेत पंजाब के बदमाशों को गिरफ्तार किया जाए, किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं। दूसरी जानिब साबिक आईजी पंजाब पुलिस शोएब दस्तगीर को सेक्रेटरी नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड का ओहदा देते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वाजे रहे आईजी पंजाब और सीसीपीओ का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया था। शोएब दस्तगीर दूसरे रोज भी दफ्तर न आए। आईजी पंजाब की वजीर आला से मुलाकात भी काम न आई। दोनों अफसरान के तनाजे की वजह से दफ्तरी अमूर ठप होकर रह गए थे।